गनीमत यह है कि विधायक जी का पेट घर से खराब नहीं हुआ था, वरना सोचिए क्या होता। नेपाल में हो रही भारी बारिश और पानी छोड़े जाने के बाद बिहार में बाढ़ के हालात फिर पैदा हो गए हैं। निचले इलाकों में बसे गांवों से पानी भर गया है। सड़कों पर सिर्फ बड़े वाहन ही चल पा रहे हैं। टीवी नाइन भारतवर्ष की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात का जायजा लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं केसरिया मोतिहारी मुख्य मार्ग पर। ये जो मार्ग है ये बहुत व्यस्त सड़क है और इस सड़क की जो स्थिति है इस वक्त आप देखिए किस तरह से पानी चढ़ा हुआ, जहां सिर्फ ट्रक और ट्रैक्टर इस तरह की गाड़ियां ही यहां पर चल पा रही हैं, क्योंकि बांध टूटा है और बांध टूटने के बाद से गंडक का जो पूरा पानी है, पूरा बहाव इसी सड़क से होकर के गुजर रही है। क्या स्थिति है, आप तो लगता है पूरा डूब चुके हैं। डूबा हुआ है पूरा, यहाँ तक पानी है, वहाँ तक आगे रोड पर पानी है, ऊपर तक पानी आ जा रहा है। हाँ, रोड पर। कहाँ जा रहे हैं सब? सामान लेकर ऊपर जा रहे हैं, दुकान किए हुए थे डूब गया। जैसे तैसे करके हमने एक ट्रैक्टर की सवारी गही है। लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं, किन हालात में महिलाओं को घर से निकलना है, लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि सरकार ने कोई इधर व्यवस्था नहीं की है। बिहार के 15 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा की आबादी बाढ़ प्रभावित है। कहीं तक सरकार ने कुछ देखा है, कहीं सरकार ने कुछ देखा तक नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।